हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अपने परिवार, मित्रों और परिजनों के संग सावन के इस पवित्र महीने में कुशल पूर्वक होंगे और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपको निरंतर मिल रहा होगा। दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश अगर कोई दे सकता है तो वह है अपनी वैदिक परंपरा, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम सभी पिछले कुछ वीडियोस में देख रहे होंगे किस तरीके से बाबा भोलेनाथ की पवित्र शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हर एक चीज़ मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। आपने देखा होगा दक्षिण भारत से आए हमारे महंत गण विधिवत तरीके से हर एक विधि जो शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है उसे बड़े संस्कार पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कुभाभिषेक और पूर्णाहुति एक प्रक्रिया है जिसे शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात की जाती है, उसे आप आज विधिवत पूर्वक और मंत्र उच्चारण के साथ हवन से प्राप्त आशीर्वाद ये सारी चीज़ों को लेकर हमारे पुजारीगण उसे किस तरीके से कर रहे हैं मैंने उसे बड़े ध्यानपूर्वक शूट करते हुए आप तक रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो दोस्तों, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और पुण्य कमाने का लाभ लें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया एक सब्सक्रिप्शन जो बेहद महत्वपूर्ण है उसे अवश्य कर लें और अपने मित्रों, परिजनों और दोस्तों के संग इसे लाइक और शेयर करना कतई ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये जागरण का कार्य हमारा चैनल एक छोटे स्तर पर प्रयास कर रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यह चैनल विलेज राइडर और हमारी पूरी टीम ग्रामीण भारत को समर्पित करते हुए निरंतर आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। हम उन ज़रूरतमंद परिवारों तक भी पहुंचने का कार्य कर रहे हैं जो आज भी समाज से वंचित हैं, और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने हेतु हमारी इस वीडियो के माध्यम से लगातार प्रयास जारी है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? और मैया दंतेश्वरी जो 52 शक्तिपीठों में एक है, हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में स्थित एक छोटा सा नगर दंतेवाड़ा जिसमें ये सारी विधियाँ संपूर्ण हो रही है, आप उसे ध्यान से देखें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट डालना ना भूलें ताकि आपका कमेंट हम जैसों को बहुत ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो दोस्तों, अब मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। तमस्तु मा विद्विषावै। ॐ शं
అంత క్లీన్ చేయించండి వాళ్ళతోటి మీరు బయటికి రండి అయ్యా పూర్వాది మనం శాంతి శాంతి ఏమన్నా చేసుకొని మీరు పూర్వాది పూర్ణవతి మేము రెడీ చేసేసాం వాళ్ళు ఒక నా ఏ పక్కకు పోసేది వాటర్ పోసేసి తీసుకోండి పని మళ్ళీ రావాలి అది కాదు ఓంకాత్యాయనాయమహే కన్యకుమారీమహే తన్నా దుర్గ ప్రచోదయా స్వాహ ఓం వేదాత్మనాద విద్మహే హిరణ్య గర్భాద ధీమహే తన్నో బ్రహ్మ ప్రచోదయా స్వాహ ఓం తత్పురుషాద విద్మహే వక్ర దుండాది ధీమహే తన్నో దంతి ప్రచోదయా స్వాహ ఓం తత్పురుష ఓం భూస్వాహ అగ్నేయం భువస్వాహ వాజమైదం సువస్వాహ సూర్యాదైదం భూర్భవస్వస్వాహ ప్రజాపతయైదం నదితేర్మవద్గుస్తాః మమతేర్మవద్గుస్తాః సరస్వతేర్మవద్గుస్తాః దేవసమిద ప్రాసావీ ప్రాణారాజన్యాః యదా సంకల్పిత హోమేన ఏవం శ్రీ గణపతి నందికేశ్వర సైద శివలింగ ప్రాణ ప్రతిష్టా మహోత్సవాక్యే కరమణి సకల దేవతా తుష్ట్యర్థం స్వరవర్ణ విధి పర్యాసనాన ధూనాదేక ప్రాయశ్చిత్తార్థం మంత్ర విపర్యాసే తంత్ర విపర్యాసే కాల విపర్యాసే కర్మ విపర్యాసే న్యూనాదేక బింబ స్పరిశ తత్త యాగ దోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవ సూక్తేన పంచోపనిషద్భ్య ఆజ్ఞాహుతి ఘోష్యే ఓం సమ్మపరాయ పరమేశ్వరాత్మనే స్వాహ ఓం యాజ్ఞోపరాయ పురుషాత్మనే స్వాహ ఓం రామోపరాయ విశ్వాత్మనే స్వాహ ఓం వామోపరాయ నివృత్యాత్మనే స్వాహ ఓం లానోపరాయ సర్వాత్మనే స్వాహ అతో దేవానంతునో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదామభి స్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేతాని తృతీయపదం సమూఢం अब आपको जो साकल दे दिया ना उसको पूर्णावधि के लिए महाराज आ रहे हैं यहाँ जगह के आवास में सब लोगों को आना मतलब जो संभव नहीं है इसीलिए अपना संकल्प लेके भगवान से माता जी से प्रार्थना करके अपना अपना साकल उसमें मतलब जो पूर्णावधि में डाल दीजिए उसमें पूर्णावधि में सोना चांदी सिद्ध्यर्थ लक्ष्मी नारायण अनुग्रह अनुग्रह सिद्ध्यर्थम यदा शक्ति शिवलिंग प्रतिष्ठा महोत्सव कर्मणि सकल देवता तृप्त्यर्थम सकल देवता प्रीत्यर्थम सकल देवता शांत्यर्थम महापूर्णाहुति हवनम ब्राह्मण मुखेन अहम अद्य तारयिष्ये पूर्णाहुति द्रव्यम अभ्यर्चयेत భగవంతుని గోత్రం अपना अपना गोत्र अपना स्वयं का नाम पति का पत्नी का नाम ले लीजिए और बच्चों का नाम ले लीजिए भगवान शिव जी का आपका इष्ट देवता कुल देवता मातृ देवता पितृ देवता ग्राम देवता ग्रह देवता सभी देवताओं को प्रणाम करके अभी पूर्णावधि हो रहे हैं आप लोग जो पूर्णावधि में डाल दीजिए उसके महाराज ने मंत्रोच्चारण से उसको यज्ञ कुंड में आहुति कर दी
पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादशाज्जङ्गृहीत्वा ॐ सुरे पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णां पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णाहुति विद्या बुद्धिम बुद्धिम श्रियम श्रियम बलम बलम
आरोग्यम आरोग्यम ऐश्वर्यम ऐश्वर्यम तेजः तेजः आयुष्यम आयुष्यम श्रियम श्रियम देहिमे देहिमे हव्यवाहन हव्यवाहन श्रियम श्रियम देहिमे देहिमे हव्यवाहन हव्यवाहन जितन्ते जितन्ते पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष नमस्ते नमस्ते विश्वभावन विश्वभावन नमस्ते नमस्ते अस्तु अस्तु ऋषिकेश ऋषिकेश महा महा पुरुष पुरुष पूर्वज पूर्वज हाथ अपना अंगों में लगा दी ततः अग्निस्तं भगवन्तं राज्ञः ततः अग्नि उद्वासयामि बजा 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 थोड़ा सा और आगे इधर जाइए ना। हाँ ऐसा बस बस बस